जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो काफ़ी समय से हमारे बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपनी साड़ियाँ हम लोगों के साथ शेयर करिए। वैसे तो साड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन पूरी साड़ियाँ निकालना बहुत मुश्किल का काम है। एक एक साड़ी निकालो फिर रखो, और वैसे भी सब भारी भारी साड़ियाँ हैं, क्योंकि मायके में हो या ससुराल में हो, जब भी शादी होती है ना, तो हर बार शादी में 5-6 साड़ियाँ लेना पड़ता है। और हम बहनों में सभी मतलब यही होता है, हम ही में कुछ ऐसा नहीं है, सभी बहनें यही सोचती हैं कि अच्छी अच्छी साड़ी लेना चाहिए। तो ये साड़ी ना हमको मिली हुई है माँ भगवती को, जब 20 जनवरी का मतलब 20 जनवरी का माँ भगवती का भंडारा होता है ना, तो उसी में साड़ी हमको मिली हुई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हमने सोचा कि साड़ी तो हम सब निकाल करके रख लिए हैं, जो साड़ी इस समय हमने कंप्लीट करवाया है, जैसे कि थाल पीको, और हर एक साड़ी का हम ब्लाउज नहीं बनवाते हैं, 4-5 ब्लाउज हम ऐसे बनवा करके रख लेते हैं कि मतलब हर साड़ियों में हम पहन सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत इसी साड़ी से हम करें जो हमको 20 जनवरी में मिली हुई है माँ भगवती के, मतलब जो भी हमको खजाना मिलता है पैकेट में, उसी में साड़ी है, चुन्नी है, और बहुत से ऐसे गिफ्ट मिलते हैं जो कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही हल्की और बहुत ही अच्छी साड़ी है। और वैसे भी ना एक साड़ी अगर साल में मिल जाती है ना, तो साल में ना बहुत साड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, और मायके से है, ससुराल से भी है, और सासू माँ कुछ ना कुछ गिफ्ट मतलब कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है। तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो साड़ियों में हमने फालपी को करवा लिया, वो सब साड़ी ले आए हैं। और वैसे भी तो सब भारी भारी साड़ियाँ हैं, कहीं मतलब काफ़ी समय से इधर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना साड़ी नहीं दिखा रहे हो। तो वैसे भी बताए ना, हमको साड़ी पहनने में ना बहुत ही मतलब वो लगता है कि भारी साड़ियाँ पहन करके ना हम काम नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम ना अपना जब भजन कीर्तन कहते हैं ना, तब साड़ी पहनते हैं, और अपने गांव जब जाते हैं तब वहाँ साड़ियाँ पहनते हैं, ससुराल यानी, और मायके में भी ज़्यादातर जब शादी फंक्शन होता है ना, तभी वहाँ पर साड़ियाँ ही हम डालते हैं। तो आप लोगों को और देख सकते हैं, आज हमने ना नए चूड़े भी डाल लिया है, क्योंकि और ठंडी थी, एक ब्लाउज तो हमने पहन लिया है। देख सकते हैं जो ब्लाउज मतलब ऐसी ब्लाउज है ना, सिलवा लो, ब्लैक में है, तो हर एक साड़ी में हम डाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर से ना हमने स्वेटर भी डाल लिया है, क्योंकि ठंडी है, साड़ी दिखाते दिखाते ना तो कहीं हम ही ना सिट्टी सिट्टी हो जाए। तो ये चूड़ा ना हमारी सासू माँ लाई थी जब वहाँ गई थी, मतलब कहाँ गई थी, अरे याद कर, हाँ याद आ गया, जगन्नाथपुरी गई थी ना, तब वहीं से जगन्नाथ धाम, तो वहीं से चूड़ा लाई थी। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, वैसे देख सकते हैं बिल्कुल सोने वाले चूड़े हैं, हमको भी लाई थी और मीना को भी लाई थी। तो आप लोगों को पहले दिखाते हैं अपनी साड़ियाँ, तो देख सकते हैं सब साड़ियाँ हैं, और ये सब इन्हीं के ब्लाउज हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लाउज बनवाए हैं। तो ब्लाउज तो सब में नहीं पहन पाएंगे, और इसी स्वेटर के ऊपर से ना एक एक साड़ियाँ पहन पहन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, यानी स्वेटर के ऊपर से नहीं, स्वेटर नहीं उतारेंगे, और एक एक साड़ियाँ हम पहन पहन के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी साड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी हैं। तो ये साड़ी कुछ ऐसे करके है, ग्रीन कलर में है, और ये साड़ियाँ ना हमारी मायके की नहीं है, यहीं की हैं। वैसे मायके की होती ना, तो देखिए दो त्यौहार ऐसे पड़ते हैं कि हमको मायके की ही साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, जैसे कि सखट है, हरछठ है, तो कोई बात नहीं है, इसीलिए साड़ी हम नहीं डाले थे। जब नहीं रहती ही मायके की, तो फिर यही साड़ी डालते, इसीलिए हमने सकट में ना तो दीदी की साड़ी डाली होती। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा हमारी ग्रीन साड़ी आप लोगों को कैसी लगी, और इसमें ना ऐसे करके बॉर्डर है, और एकदम से न्यू है, अभी को बारिश को नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ अभी ही इसको लेकर के आए, फालपी को कम्प्लीट हुआ है इसमें। तो पहनते हैं तीसरी साड़ी, तो ये साड़ी का कलर ना कुछ ऐसे करके है, बहुत ही सिंपल है। वैसे भी हमको प्लेन साड़ियाँ बॉर्डर वाली बहुत ही पसंद है, तो देख सकते हैं ऐसे, और इसके साथ का ये ब्लाउज है, और हमको डोरी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस बार ना सिलाई वाली ना डोरी लगा दी है, देख सकते हैं। वैसे भी ना ये डोरी लगा करके ना हमको पहनने में ना ऐसे लगता है ना कि जैसे पीठ पे छिपकली आ गई, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखेंगे डोरी को हम हटा देंगे, तो ये साड़ी भी हमारी बताएगी कैसी लग रही है आप लोगों को। तो ये तीसरी साड़ी पहनने में ना इतनी थकावट हो गई, तो पहनते हैं चौथी साड़ी, तो देख सकते हैं ये साड़ी का कलर आप लोगों को कैसा लगा। वैसे तो इसका कलर हमको बहुत ही पसंद है, और बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है, देख सकते हैं। और ऐसी साड़ियाँ ना तो गर्मी में पहनने में ना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये साड़ी का भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी। वैसे पूरा लुक तो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, देख सकते हैं जैसे भी है, क्योंकि अभी काफ़ी साड़ियाँ पहनना है। तो ये साड़ी कुछ ऐसे करके है, और इसमें ना
पूरा ऐसे बॉर्डर दिया है, और पूरा नीचे भी इसमें ऐसे ही बॉर्डर है, देख सकते हैं। पूरा लहंगे वर्क का काम है, और बहुत ही हल्की साड़ी, एकदम से सॉफ्ट और हल्की, ऐसे लगता है कि मतलब पहने हुए हैं तो ऐसे नहीं लग रहा कि हम कुछ मतलब साड़ी पहने हुए हैं, बहुत ही हल्की साड़ी है। और आप लोगों से बताएं ना, ऐसी साड़ियाँ ना तो हमारी जान है। अगर हमसे ऐसी साड़ियाँ कोई कहता भी है ना कि हमको दे दो, तो हम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये साड़ियाँ ना हम एक एक चुन चुन करके लेते हैं, और फिर इनको कंप्लीट कराना ना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। वैसे जो लोग अपने पहनने के लिए ले लेते हैं तो बात ठीक है, लेकिन हम किसी को दे नहीं पाते हैं। और जब तो अब दिखा रहे हैं आपको, गिनती ही भूल गए तो पहनते जा रहे हैं, चलिए आप लोग गिनते जाइएगा। तो जो अभी साड़ी पहने थे ना, और ये साड़ी, दोनों बिल्कुल सगी बहने बहने हैं, जैसे कि हम और रानी मतलब मिलते जुलते हैं। सभी लोग कहेंगे ना आप रानी की ही बहन है ना, और रानी को जैसे देखेंगे बोले आप शोभा की बहन है ना। तो देख सकते हैं सेम वैसे ही है, इसमें भी ऐसे ही बॉर्डर है, और लहंगा वर्क है देख सकते हैं, और बहुत ही हल्की सॉफ्ट एकदम से साड़ी है। तो अब ये साड़ी के बाद अब आ रहा है, वैसे भी ना हमको ऐसी साड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बनारसी में हैवी साड़ी होती है ना, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। देख सकते हैं एक ही ब्लाउज के साथ ना कितनी साड़ियाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी 5, 6, 7 साड़ियाँ बची हुई हैं। अरे देख सकते हैं साड़ी, तो जितनी ही साड़ियाँ आप लोगों को पहन पहन के दिखा रहे हैं ना, तो हमको भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हमको लगता है कितनी खूबसूरत साड़ियाँ लग रही हैं। देख सकते हैं इसका ऐसे बॉर्डर है, दिख रही है बनारसी जैसे, बट बनारसी नहीं है, ऐसे सिल्क में है। और हम सोच रहे हैं ना बिट्टू की शादी में ना हमको साड़ियाँ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं सिंपल सिंपल। और देख सकते हैं ना इसका बॉर्डर ऐसे करके है, चौड़ा बॉर्डर है नीचे का, और बहुत ही सुंदर इसका ब्लाउज भी है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारी साड़ियाँ कैसी आप लोगों को लगी। और इसका ना ऐसे ब्लू करके पल्लू है, तो पहन रहे हैं, और ये भी साड़ी बहुत ही सुंदर है जो इसके बाद पहनने वाले हैं। तो ये साड़ी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और देख सकते हैं बहुत ही हल्की है, और ये भी बनारसी का ही इसमें बॉर्डर है। और वैसे भी नीचे का लुक आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं नीचे का लुक ऐसा आएगा, इसमें भी बनारसी का ही पूरा वो है, बिल्कुल एकदम से प्लेन है, और पल्लू ऐसा आएगा बहुत ही हल्का, और बहुत ही अच्छी साड़ी पहनने में ना। वैसे हम सोच रहे हैं कि अगर गर्मियों में होगी ना बिट्टू की शादी, तो सब साड़ियां हमारे काम आने वाली हैं, हमको कोई एक भी साड़ी लेना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। और इसका ब्लाउज ना, तो ऐसे में ही ब्लाउज है इसका, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। तो जब ब्लाउज के साथ पहनेंगे ना, तो वाकई ही ये ना मेहंदी रस्म में जब पहनेंगे ना बिट्टू की शादी में, तो वाकई देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये शॉपिंग ना हमारी घर बैठे है सब हो जाती है, देख सकते हैं, और बहुत ही हल्की फुल्की, देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है साड़ी का। और हम भी जब पहन रहे हैं तो हमको भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोगों को भी कैसी लगी हमारी साड़ी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और देखिए कितनी बार हम बोलेंगे आप लोगों से कि बताइएगा। और अभी ना इतनी थकावट हो रही पाता है, और हमको ना ज़्यादा जेवर का शौक़ नहीं है, बस अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छे अच्छे सूट पहनने का बहुत ही शौक है, इसीलिए हमने हल्का फुल्का बस मंगलसूत्र डाल लिया है। और एक साड़ी ये है ब्लैक और रेड में, तो ये भी बहुत ही हल्की साड़ी है, देख सकते हैं एकदम से हल्की फुल्की। और पहले ना हमको ठंडी लग रही थी साड़ी पहन पहन के, दिखाते दिखाते ना तो इतनी गर्मी लगने लगी है। और तो ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो इस साड़ी का कलर आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये भी बहुत ही हल्की एकदम से, ऐसी साड़ियाँ ना बस पहने हुए तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साड़ी ही नहीं पहनी हुई है, बहुत ही हल्की साड़ियाँ हैं। और बताएं ना आप लोगों से, 2-3 साड़ियाँ और बची हुई हैं, लेकिन काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो जाएगा, और हम भी अब थक गए हैं, अब नहीं पहनेंगे साड़ियाँ। और आप लोगों को दिखा देते हैं कि अभी कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। तो देख सकते हैं ये है कॉटन में, तो इसको भी नहीं पहनेंगे, और एक है रेड में, तो इसको भी नहीं पहनेंगे। और आप लोगों को झमेला दिखा रहे हैं साड़ियों का, कि कितना झमेला फैल गया है पूरा, भी हमको 1 घंटे लग जाएंगे एक साड़ी फोल्ड करना फिर रखना, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं कोचिंग से, तो उन लोगों को देते हैं कुछ शाम का नाश्ता। शाम के ना 5:30 हमको लगता है बज गए होंगे, चल रहे हैं भगवान जी की आरती पूजा करने। तो हमारी साड़ियों का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे सासू माँ के लाए हुए कंगन आप लोगों को कैसे लगे ये भी बताइएगा। और साड़ियों का झमेला दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे बिखरा हुआ है, तो ये देखिए साड़ियों का झमेला
ये ऐसे आप लोगों को दिखा रहे, देखिए सब ऐसी साड़ियां हैं, बहुत ही हल्की बहुत ही अच्छी। और जो जयपुर से आती है ना वो साड़ी देने वाली, उन्हीं से हमने लिया। माँ भगवती की कृपा है क्योंकि एक साड़ी हम उनको गिफ्ट में चढ़ाते हैं तो साल में माँ भगवती इतनी सारी साड़ियाँ सब दे देती हैं। और देख सकते हैं सब साड़ियाँ, ये सब देख सकते हैं। और काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन बस यही हो जाता था कि डेली के ब्लॉग ही बनाना भूल ही जाते थे। लेकिन जब कमेंट आना शुरू हुए तो हमने सोचा कि लाओ आज साड़ी पहन पहन के दिखाते हैं। और इनके ना ऐसे ही ब्लाउज देख सकते हैं, ऐसे हम कई ब्लाउज बनवा लेते हैं, जैसे कि गोल्डन में है और ऐसे ब्लाउज, तो वैसे भी काफ़ी ब्लाउज हैं कि जो हम हर एक साड़ियों में पहन सकते हैं, जैसे कि एक रेड में है देख सकते हैं। हाँ बेटा आ रहे हैं बस, तो इस ब्लॉग को करना चाहते एंड। अगर हमारा ब्लॉग आप लोग देखिए लास्ट में ना, क्योंकि आज है गुरुवार, तो लास्ट में गुरु भगवान ने कहा कि यही साड़ी पहन करके तुम वीडियो का एंड करो। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हमारी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। और वैसे ना हमको ज़्यादा दिखाने का कोई शौक नहीं रहता है, साड़ी हो या चप्पल जूते हो लगता है क्या दिखाएं, लेकिन जब हमारी बहनों के इतने कमेंट आते हैं ना, चूड़ी कंगन दिखाओ साड़ियाँ दिखाओ, तब मन करता है कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। वैसे तो पहन पहन करके जब हम अपना खुद ही भजन कीर्तन गाते रहते हैं, तो इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते, कितनी बार आप लोगों से बोलेंगे। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय माता दी गाइस।